जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमें गेट की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। अब ये हमारा गेट की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए का पार्ट टू है। आप ये दोनों पार्ट देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि गेट की प्रिपरेशन करने से आपके जो करियर है उसमें जरूर बेनिफिट होगा ना, और इससे आपको कोई एक्स्ट्रा ना तो आपको बर्डन पड़ेगा ना ही आपको इससे कोई एक्स्ट्रा आपको टाइम या मनी इन्वेस्ट करनी होगी। तो आप सेल्फ स्टडी से आराम से गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी भी कैसे करनी है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 2 साल बहुत मेहनत की, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में मैंने गेट की प्रिपरेशन की फिर भी मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, तो उन सब के लिए भी मैं आगे आने वाली वीडियोज में ये सारी चीज़ें कवर करूँगा कि सेल्फ स्टडी यानी कि गेट की प्रिपरेशन करनी कैसे है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ करनी क्यों है पे बात कर रहे हैं, आने वाले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे कि करनी कैसे है। तो यहाँ पर हम जो है हमारे पास ये लिस्ट है जो 10 हमारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे थे गेट की प्रिपरेशन करने से, ना कि गेट की प्रिपरेशन सिर्फ करने से, ना कि गेट क्वालिफाई करने से। तो गेट की प्रिपरेशन करने या गेट क्वालिफाई करने से ये जो 10 बेनिफिट हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो उनमें से एक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फर्स्ट वन है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यहाँ पे सबसे ज़रूरी, आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कुछ भी करने के लिए लाइफ में आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि हमारे कॉलेजेस में हमें नॉलेज नहीं मिल रही है, हमें डिग्रियाँ मिल रही हैं और हमें कॉन्फिडेंस तो हमारे पास बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाते कि हमें ये चीज़ आती है, तो फिर मतलब क्या होगा। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका करियर अच्छा होगा या आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आज के टाइम की वो है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको सिंपली, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ हो कि जहाँ पे आपने ये काम किया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस का मतलब आपको अंदर से वो लगना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है, हम ये कर सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से आता है। तो जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते हैं। मान लीजिए आप हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते तो उसमें से 4 या 5 सब्जेक्ट आपने डीपली पढ़े होते हैं तो कम से कम आप उस टॉपिक पे तो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम ये वाला चीज़ आती है हमें और इससे रिलेटेड हम काम कर सकते हैं, तो आपको आसानी से जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, भले ही आपके पास मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट 8 या 10 सब्जेक्ट हैं, आप उसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ ले गए तो आप उस सब्जेक्ट में अपना आगे करियर बना सकते हैं। फिर आपको जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मान लीजिए किसी के मार्क्स आ रहे हैं 80% 90% और आपके आ रहे हैं 50 या 60%, लेकिन आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट भी अच्छे से आता है, तो आप अपना करियर उस एक सब्जेक्ट में उन लोगों से ज़्यादा बेटर तरीके से बना ले जाएंगे जो लोगों के 80 और 90% मार्क्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए, ख़ास तौर से जब वो अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करता है, क्योंकि उस टाइम पर उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आसानी से मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि आपके पास नॉलेज है। सामने वाले को जरूर बोलते हैं कि मैंने बीटेक किया या मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरे पास ये नॉलेज है वो नॉलेज है, लेकिन जब आप यही सवाल खुद से पूछते हैं कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, तो आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है और आप कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं कह सकते कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास मैं गेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन ये सब्जेक्ट है जिसकी मुझे नॉलेज है या फिर ये टॉपिक है जिसकी मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है और मैं अगर चाहूँ तो इसमें अपना करियर बना सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका जॉब। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की होगी तो जाहिर सी बात है आपका जो कोर सब्जेक्ट होंगे वो आपको उस पर आपकी अच्छी कमांड होगी, और जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछे जाने हैं, क्वेश्चन तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएंगे। तो देखिए उस कॉन्फिडेंस जो मैं आपको प्रीवियसली कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा हूँ उसी की वजह से जॉब मिलनी है, तो आपको इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका बैकअप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब हम लोग फाइनल ईयर में आते हैं तो हमें हमारे पास एक प्रेशर होता है कि अब हम क्या करेंगे, पूरा लास्ट सेमेस्टर जो 8वां सेमेस्टर होता है वो 6 महीने इसी टेंशन में चले जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपके पास एक बैकअप होता है कि मैं गेट क्वालिफाई कर जाऊँगा, अगर मेरे ये चीज़ नहीं हो पाती है तो मैं जाके एमटेक में एडमिशन ले सकता हूँ, या फिर मैं गेट के थ्रू कहीं जॉब पा सकता हूँ, या मैं गेट में क्वालिफाई हूँ तो वो मेरा 2 साल 3 साल के लिए वैलिड है। तो अगर मैं 1 साल किसी चीज़ में प्रिपरेशन करता हूँ वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता तो मैं फिर से आके उसी पुराने स्कोर पे यहाँ पे गेट में एडमिशन ले सकता हूँ, यानी कि एमटेक के लिए एडमिशन ले सकता हूँ। नेक्स्ट आपका है
नॉलेज आपके पास, जैसा कि कॉन्फिडेंस में मैंने आपको बताया, तो आपके पास नॉलेज काफ़ी हो जाएगी अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो। नेक्स्ट वन है आपका मार्क्स जो होंगे इम्प्रूव होंगे अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो, जाहिर सी बात है आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होगी और आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उस तरह से आपका एग्जामिनेशन का जो स्कोर होगा वो भी अच्छा खासा हाई होगा। उसके बाद आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये सबसे जरूरी चीज़ होती है। एक्चुअली में हर कोई चाहता है कि उसकी कोई लोग रिस्पेक्ट करें, तो आपके जूनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इनफैक्ट आपके टीचर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो टीचर्स भी आपको अपने बच्चों को बताएंगे कि देखिए आपके सीनियर थे वो, उन्होंने गेट की प्रिपरेशन की और गेट में क्वालिफाई हो गए। क्योंकि गेट में कॉलेज में बहुत कम ही लोग क्वालिफाई होते हैं, तो आपको लोग कई सालों तक याद रखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे सलाह मांगेंगे कि गेट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलती है अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो। नेक्स्ट आपका आता है कि ये वैलिडिटी होती है 3 साल के लिए इसकी, आप इसको 2 साल तो यूज़ कर ही सकते हैं, यानी कि अगर आपने इस साल गेट क्वालिफाई किया तो आप अगले साल भी इस गेट का स्कोर कार्ड का यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। और आपके पास एक नॉलेज जो इसको स्कोर कार्ड होता है वो नॉलेज ऑफ प्रूफ के रूप में होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि आपने 4 साल की बीटेक में क्या किया, तो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन करने की जगह आप उसको गेट का स्कोर दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने गेट क्वालिफाई किया है, जो कि इंजीनियरिंग का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, काफ़ी टफ एग्जाम होता है। और प्लस आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपका अगर सपना है IIT में जाने का तो आप IIT में जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है नेम एंड फेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग आपको याद रखेंगे कि गेट क्वालिफाई किया था, क्योंकि गिनोचने लोग ही गेट क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्कोर कार्ड, आप रिज्यूम में भी अपना इसको ऐड कर सकते हैं कि आई एम गेट क्वालिफाइड। आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं जहाँ पे आपको आता है रिज्यूम में लिखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप लिख सकते हैं कि, या फिर आपको वहाँ पर अचीवमेंट में जो आता है, तो जनरली आपके पास अगर बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। साथ में आप ये लिख सकते हैं गेट क्वालिफाइड। तो जब आपका रिज्यूम किसी के सामने जाता है और वहाँ पे मान लीजिए 15 लोगों का रिज्यूम जाता है, उसमें आपका रिज्यूम है, बाकी लोगों ने गेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो अगर सेम पॉसिबिलिटी है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा कि बंदे ने गेट क्वालिफाई किया है, यानी कि इसको बेसिक नॉलेज तो अच्छे से होगी। तो ये कुछ थे बेनिफिट्स। बेसिकली मैं तो सलाह दूंगा कि आप चाहे आपका सपना कुछ भी हो, आप जॉब करना चाहते हैं, आप बिल्कुल गेट में इंटरेस्टेड नहीं हो, तब भी आप गेट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन में आपको कुछ करना नहीं है अलग से, आप साथ साथ पढ़ते जाइए, आपको सिर्फ एग्जाम देना है। और अगर आपका गेट क्वालिफाई करने लायक आप पढ़ लेते हैं तो आप उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं जहाँ जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पैसन ही कुछ और है, मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ करना ही नहीं चाहता, तो भाई आप जिस पैसन में भी जाएंगे, मान लीजिए आपका सिंगिंग ही आपका पैसन है, तो सिंगिंग का और गेट का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे आपको लगता है कि सिंगिंग और गेट का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास गेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया गेट का जो फर्स्ट बेनिफिट जो आपको बताया वो है कॉन्फिडेंस, और आपको सिंगिंग के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो जब आप गेट क्वालिफाई करेंगे और आप कहीं जाएंगे सिंगिंग करने के लिए, तो जाहिर सी बात मान लीजिए आप कहीं ऑडिशन देने पहुंचे सिंगिंग का, तो वहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन ये रहेगी कि भाई अगर मैं यहाँ पे बाहर हो गया या कंपटीशन में नहीं क्वालिफाई हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन वहाँ पे अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा होगा तो आपके पास एक भरोसा रहेगा कि भाई अभी नहीं हुआ तो मैं जाके एडमिशन ले लूँगा एमटेक में, साथ में ऑडिशन देता रहूँगा, क्योंकि एमटेक में मुझे जो स्टाइपेंड भी मिल रही है तो मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, घर वालों पे बोझ बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि गेट जो है, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से। तब मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया सिंगिंग का, जिसका कोई रिलेशन नहीं है गेट से, लेकिन आप उसका बेनिफिट वहाँ भी ले सकते हैं। हालांकि अगर आप इतने अच्छे सिंगर हैं कि आपको ऑडिशन में बाहर होने के चांसेस नहीं हैं, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जनरली हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हर जगह कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और गेट से हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि कोई नहीं यार यहाँ पर नहीं होता है तो मैं एमटेक में एडमिशन ले लूँगा, वहाँ पर मुझे स्टाइपेंड भी मिलेगी, मेरा खर्चा भी आता रहेगा और मैं अपने पैसन को कंटिन्यू कर पाऊंगा। जनरली लोग इसीलिए अपने पैसन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर होता है कि वो फैमिली प्रेशर होता है, दूसरा प्रेशर होता है कि उन्हें पैसा कमाना होता है, तो अपने पैसन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आप इससे अपने पैसन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप ऐसा एनवायरनमेंट बना सकें कि सभी लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मन लगा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको मोटिवेशन मिलता है, उसके बाद आप उससे हट जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को चाहें तो सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, इन सारी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको अपने ग्रुप में भेज सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी गेट के प्रति ये सारी चीज़ें जान सकें और गेट की प्रिपरेशन का एक माहौल बन सके आपके कॉलेज में, आपके हॉस्टल में, और आप लोगों को
गेट की प्रिपरेशन में भी मज़ा आया। जैसे कि आप लोग साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपकी स्टडी की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमें नीचे फॉर्म की एक लिंक मिलेगी तो आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिससे कि मुझे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और उससे रिलेटेड मैं आपकी फ्यूचर में हेल्प कर सकूँ या आपसे उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको अपलोड कर सकूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको एक फॉर्म फिल करने की। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करके रखिए, और आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी से गेट को क्वालिफाई कैसे करें। आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, आप आसानी से गेट को क्वालिफाई कर ले जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके कोई सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उसको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँ और उन सारे कमेंट का जवाब दूँ। और जितने भी कमेंट आते हैं मैं सारे कमेंट को रीड करता हूँ और सारे कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।